अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निमरा अहमद। नाज़रीन, आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़नी सा मज़ेदार सा टॉपिक है। आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं दो सिंगर्स का, और जिन दो सिंगर्स का हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, पाकिस्तान से आसिम अजहर का इंडिया के एपी ढिल्लों के साथ। आज हम पाकिस्तानी आवाम से ये पूछेंगे इन दोनों सिंगर्स में से कौन सा उनका फेवरेट है, किसके गाने उनको ज़्यादा पसंद हैं और किस सिंगर को वो ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो चले लोगों की जानी बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि लोग इन दोनों में से किसे ज़्यादा पसंद करते हैं, किसके गाने ज़्यादा सुनते हैं और किसे फॉलो करते हैं। तो मेरे साथ रहें और देखते रहें कि लोग हमें क्या रिव्यूज देते हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है, आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो सिंगर्स का, ठीक है, ए पी ढिल्लों वर्सेज आसिम अजहर, हु इज द बेस्ट? ओके, वेल आई माइट से मैं कहना चाहती हूँ कि दोनों बेस्ट हैं, दोनों का कंपैरिजन नहीं है। आसिम अजहर आप कह लो, ठीक है, हमारी इंडस्ट्री में लाइक ही इज़ द यंगेस्ट वन आप कह सकते हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं, बट ए पी ढिल्लों इज़ लाइक वाओ, मतलब लाइक वाओ, उसकी आवाज़ इतनी मैजिकल, वो लाइक अजीब सा ना उसमें बेस है उसकी आवाज़ में, और आप आंखें बंद करके सुनो एंड यू आर लाइक इन अदर वर्ल्ड, नो डाउट ए पी ढिल्लों, आई एम इन हिज फेवर। हाँ, मार्स पे पहुंच जाती हैं आप? मार्स, मार्स से आगे और कोई प्लैनेट्स आई थिंक वो उसके आगे भी जो प्लूटो जो खत्म हो गया, प्लूटो भी आई थिंक वो ब्लैक होल है ना एक, जहाँ पे अभी तक कोई जा नहीं सका, बट आई थिंक इसकी वॉइस सीरियसली ऑन योर सोल ऑन योर नर्व्स, वो ऐसा आपको रिलैक्सिंग, एक इतनी स्वीट सी उसकी वॉइस है ना, वो आपको वो वाली फीलिंग देती है, डेफिनेटली ए पी ढिल्लों। मुझे ये बताएं क्यों पसंद है आप, उनका कौन सा गाना पसंद है आपको? यार अभी रिसेंट आया है, ऑन रिपीट लगा हुआ है उसका, उसका पहले भी आया था सेम बीफ था, और अभी जो उसका मतलब लाइक जिसने तोड़ के रख दिए ना सारे रिकॉर्ड्स वगैरह, यही चंद तक राह बना दे तारे ने पसंद। अच्छा, ये गाने आप किसके लिए गाती हैं, एपी के गाने? यार अच्छा अच्छा, मज़े की बात ये है कि ए पी ढिल्लों का ये जो सॉन्ग है ना, ये आप अगर ख़ुद पे रिलेट नहीं भी कर सकते ना, आप जब सुनते होगे आपको लग जाएगा कि आप रिलेट कर रहे हो किसी के लिए, सो ही इज़ दैट काइंड ऑफ मैजिक ऑन द लिसनर्स आई थिंक सो। मुझे बताओ आसिम अजहर को क्यों रिजेक्ट किया? नहीं, रिजेक्ट नहीं किया, बट कंपैरिजन अगर आप एपी के साथ कराओ तो नो, आसिम अजहर कुछ भी नहीं है उसके आगे। आसिम अजहर बहुत अच्छा सिंगर है, उसकी भी बहुत अच्छी वॉइस है, नो डाउट ही इज़ लाइक क्रश ऑफ मैनी, मैं तो खैर अब थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, थोड़े छोटे छोटे टीनेजर्स में आ जाओ, ही इज़ क्रश ऑफ देम, सो मुझे वो भी पसंद है, बट इफ़ यू से दैट कंपैरिजन करना है तो आई विल डेफिनेटली बी गो टू। एपी का कोई एक आधा गाना सुना दें, आप इतनी बड़ी फ़ैन उनकी लग रही हैं, कुछ थोड़ा बहुत? यार मैं तुम चाह रही हो कि तुम्हारे फैन से गालियाँ निकालेंगे, किसको ले आई थी, सॉरी थोड़ा सिंगिंग वगैरह नहीं हो सकती मुझे, सिंगिंग नहीं हो सकती, नो नो, आई एम नॉट इवन अ बाथरूम सिंगर मैन, आई स्वेयर। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वलीद। वलीद, मुझे ये बताएं, आज का हमारा सवाल ये है, ए पी ढिल्लों वर्सेस आसिम अजहर, हु इज द बेस्ट? अगर बेस्ट की बात आती है तो ए पी ढिल्लों से तो बेहतर फिलहाल मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से उसने आगे अपनी यूथ को एकदम से घेरा, हर बंदा यही कह रहा था यार करण ओजला हो गया और सिद्धू मूसेवाला, उसकी बातें चल रही थी, उसे एकदम से मार्केट में आया यार एंड कुछ ठप कर दिया, ठप नहीं किया, खोल दिया यार, जहाँ पे म्यूजिक बंद हुए थे वो भी ऑन कर दिया यार ऊंची आवाज में, ए पी ढिल्लों के गाने सुनो। अच्छा, मुझे ये बताएं आपको क्या पसंद है उनमें? यार वो ना एक्चुअली मैं ना खाली रोने पिटने वाले गाने नहीं सुनाता, वो मोटिवेशनल सिंगर भी है, वो लव सिंगर भी है, ब्रेकअप सिंगर भी है, रॉक सिंगर भी है, और ऑल इन वन है वो, बेस्ट है। कब कब सुनते हैं उनके गाने? मैं तो फिलहाल सिंगल ही हूँ तो डीजे वाले ही गाने सुनता हूँ, धोने धोने वाले गाने नहीं सुनता, इसलिए चिल। कौन सा फेवरेट सॉन्ग है उसका? माँ बैले किंज करा तारीफ तेरे मुखड़े दी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने आसिम अजहर को रिजेक्ट क्यों किया है? यार आसिम अजहर मुझे बहुत अजीब लगता है यार, वो जिस तरीके से रोने धोने वाले गाने गाता है, और है भी वो पाकिस्तानी सिंगर, तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद। क्यों, पाकिस्तान से नफरत है? नफरत पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री से है, क्योंकि वहाँ पे अगर देख लेना कोक स्टूडियो पहले किस तरीके से सब कैसा हो गया, जो पहले बैंड सिंगर से रोजन फ्यूजन जल सारे खत्म हो गए, तो एंड खत्म है यार इंडस्ट्री में, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ अब। मुझे ये बताएं कि अगर ए पी ढिल्लों और आसिम अजहर का कॉम्पिटिशन करवाया जाए तो कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है ए पी ढिल्लों, आप मुझे छोड़ो, आप मेरे जितने भी यंगस्टर खड़े हुए हैं सारे ए पी ढिल्लों के फैन है। आज का हमारा सवाल ये है, आसिम अजहर वर्सेज ए पी ढिल्लों। ओके, आसिम अजहर, अगर एक को चूज़ करना पड़े तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ तो आसिम अजहर, लेकिन अगर बात की जाए तो ए पी ढिल्लों बड़ा स्टार है। सेल्फिश क्यों? जाहिर है भाई, अब अपनों को आगे रखना चाहिए। लेकिन
वैसे बेस्ट कौन है? बेस्ट आसिम अजहर हमारे से ज़्यादा है, लेकिन ए पी ढिल्लो एक बड़ा स्टार है, तो उसके बड़े सॉन्ग्स होते हैं, बड़ी प्रोडक्शन होती है और सब कुछ, मतलब उसका एक बड़े लेवल पे है। आसिम अजहर हमारा शहजादा, हमें बहुत दिल से प्यार है, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि ये छोटा स्टार है। अच्छा मुझे ये बताएं, ए पी ढिल्लन का क्या चीज़ आपको पसंद है? उनकी आवाज़ बहुत ही मुनफरिद है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी सी डीप आवाज़ है उनकी, गहराई में वो गाते हैं। मुझे लगता है मुझे म्यूज़िक का थोड़ा भी नो हाउ नहीं है, तो मैं इसलिए अपने अल्फाज में गाऊंगा, समझ जाए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उनकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा मुझे बताएं कोई एक गाना उनका, अगर आप जो आपको पसंद हो, जो आपका फेवरेट हो। मेरा फेवरेट कोई नहीं है, कोई फेवरेट नहीं है। सॉरी, आवाज़ में गहराई कैसी हुई? हर जगह पे, हर चौक में, हर चौक चौराहे में उनका गाना लगा होता है, वही तो मैं कह रहा हूँ बड़ा स्टार है, हर जगह पे उनका गाना लगा हो। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था हर साल ना याद तेन करते रहे तो जगह जगह गाने चल रहे होते हैं, तो भाई वो बड़े सॉन्ग होते हैं इसलिए चल रहे होते हैं। मुझे बताएं अगर कभी हम लोग आसिम अजहर और ए पी ढिल्लन का कॉम्पिटिशन कराएं, क्या लगता है कौन सुरों में एक दूसरे को मात देगा? ए पी ढिल्लो। ए पी ढिल्लन दे देगा? यस। इतना यकीन है आपको? हाँ, बाकी उसकी आवाज़ गैर मामूली है, गैर मामूली की आवाज़ जो है वो लाइक बहुत से लोगों की आवाज़ होती है जो बहुत ही मुनफरिद होती है, वो ए पी ढिल्लो है, और आसिम अजहर की आवाज़ जो है वो कॉमन स्टैंडर्ड कह सकते हैं। तो कहूँगा ए पी ढिल्लन जो है वो बेस्ट हैं, क्योंकि आसिम अजहर जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे हैं, तो ए पी ढिल्लन का ब्राउन मुंडे हमारे पंजाबियों के लिए एक बड़ा अच्छा सॉन्ग था, तो मैं तो ए पी ढिल्लन को ही कहूँगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि ए पी क्यों पसंद है आपको? ए पी ढिल्लन का ब्राउन मुंडे हमारे लिए है वो गाना उनका, और ब्राउन, लेकिन आप तो ब्राउन नहीं है। आप ब्राउन मुंडे ही हैं, पंजाबी हैं, पंजाबी ब्राउन मुंडे ही होते हैं ज्यादातर, सीधे वाइट मुंडे ज्यादा हो आप, मगर पंजाब के हैं तो पंजाब के रहने वाले हैं तो ब्राउन है। हाँ ब्राउन है इसलिए। अच्छा मुझे ये बताएं क्या पसंद है उनमें आपको, क्या पसंद है उनकी आवाज़ पसंद है, स्टाइल पसंद है, क्या पसंद है? मेरे ख्याल से तीनों ही चीज़ें बेहतर हैं, आवाज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है, शक्ल भी बड़ी अच्छी है, स्टाइल भी बड़ा अच्छा है, और सिंगिंग का जो टैलेंट है उनमें बड़ा ज़बरदस्त है, मैं तो बड़ा उनको अप्रिशिएट करूँगा। ऐसा क्यों लग रहा है, आप भी उनको फॉलो करते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल फॉलो करते हैं, बड़े अच्छे सॉन्ग्स हैं उनके, और ही इज़ अ नाइस गाय, दैट्स व्हाई वी फॉलो हिम। मज़र को रिजेक्ट करने की क्या वजह थी? आसिम मज़र जो है वो थोड़े से, मुझे लगता है कि थोड़े से शौकी टाइप हैं, और आसिम अज़हर जो हैं वो कॉन्ट्रोवर्सीज में रहे हैं। यार एक लड़की ने आपको किक करा दी तो कोई मसला नहीं, मगर कॉन्ट्रोवर्सीज में लेके आना और उसके बारे में इस तरह की बातें करना, ये नहीं थी इस वजह से बिल्कुल आपको नापसंद है। आवाज़ भी नहीं पसंद उनकी? आवाज़ ठीक है, आवाज़ के बारे में किसी कुछ नहीं कहना चाहिए, बट किस कॉन्ट्रोवर्सीज में नहीं आना चाहिए, अपना टैलेंट शो करना चाहिए, जो आप हैं वो अपना शो करें। आज का हमारा सवाल है आसिम अजहर वर्सेस ए पी ढिल्लन, हु इज द बेस्ट? मैम ए पी ढिल्लन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ही इज द बेस्ट। रीजन ये कि वर्सटैलिटी है उसके अंदर, वो हर तरह के सॉन्ग गाता है, उसकी जो एक तो आप लाइंस उसकी डीप होती हैं, प्लस उसका जो उतार चढ़ाव है सॉन्ग्स का, वो हर तरह के जनरेशन के लिए वो पसंद किए जाते हैं। पर्टिकुलर जो है वो आसिम अजहर की बात कर रही हैं तो वो ज़रा सैड सॉन्ग गाता है, तो ये इसलिए जो वर्सटाइल होगा वही आजकल कामयाब होगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको क्या पसंद है ए पी ढिल्लन में, और मुझे ये बताएं उनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मैम जो आजकल है ब्राउन मुंडे वो एक मतलब जी मुझे पसंद है, हालांकि हमारे वोरा का नहीं है, लेकिन फिर भी उसका वो एम्यूज करता है दिलों को। जी मैम मुझे ये बताएं कि अगर मुकाबला हो आसिम अजहर और ए पी ढिल्लन का, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ए पी ढिल्लन डेफिनेटली। अच्छा आप ए पी ढिल्लन को सपोर्ट करेंगे? मैं करूँगा सपोर्ट जी बिल्कुल। अच्छा आसिम अजहर को क्यों नहीं? वर्सटैलिटी नहीं है उसमें, वो बस एक टोन का सिंगर है, मोनोटोनस है वो, मतलब उसमें वो उसके पास वैरायटी नहीं है, वो किसी भी जनरेशन को ये ना कि वो सबको ही अम्यूज़ करता है, तो आसिम अजहर के पास फर्सटिलिटी नहीं है। अच्छा ए पी ढिल्लन के गाने किसे देख के गाते हैं आप? देखें ये जब ये डिपेंड करता है आपके स्विंग मूड स्विंग्स पे, अंदर का मूड माहौल अच्छा हो तो बाहर का माहौल भी अच्छा होता है, तो डेफिनेटली फिर हम लोग इसीलिए फिर ये है कि कभी बेगम पास खड़ी हो तब, या अदरवाइज भी कभी कभी गुनगुनाया जा सकता है। दोनों बेहतर है ठीक है, लेकिन आसिम अजहर थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। क्या अच्छा लगता है आपको उनमें? सिंगिंग, उसकी आवाज़ और उसके कुछ गाने जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं। कौन से गाने अच्छे? हमरा जिस तरह है उसका, बमलांग का उसने गाना गाया है, फिर हम तुम है इस तरह, अभी वो एक आयमा बेग के साथ उसका गाना है वो मैं तेरी हूँ ठीक है, मतलब उसके कुछ अच्छे गाने हैं। फॉलो करते हैं आप उसे? ज़्यादा नहीं ठीक है, टू सम एक्सटेंट, मतलब ये है कि बस टाइम मिला सुन लिया, अदरवाइज। अच्छा किसको देख कर उनके गाने गाते हैं आसिम अजहर के? किसी को नहीं, मतलब ऐसा किसी को नहीं, नहीं बस दिमाग में ही गुनगुनाते रहते हैं। हाँ बस
अच्छा मुझे ये बताएं, एपी ढिल्लन को क्यों आपने जो है वो रिजेक्ट किया? आजकल तो टॉप ट्रेंडिंग पे चल रहा है। नहीं, वो अच्छा सिंगर है, अच्छा सिंगर है, लेकिन ये है कि कंपैरेटिवली देखा जाए तो अभी जितने उसके फेमस सॉन्ग्स हैं वो आसिम अज़हर के थोड़े से ज़्यादा हैं। मतलब उसके आप पुराने गाने जो हैं वो सुन सकते हैं आप, लेकिन जो ये एबी ढिल्लन है उसके मतलब अभी नया, अभी आप कह रहे हैं कि एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ें, तो वो बेहतर हो जाएगा वैसे जब टाइम। अच्छा मुझे बताएं, अगर इन दोनों सिंगर्स का मुकाबला करवाया जाए, क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा? वो 50-50 है, 50-50 है, क्योंकि लाइव चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं और उसमें दोनों को एज देना पड़ेगा। लेकिन जो परफॉर्मर है अगर वो देखा जाए तो मैंने आसिम अज़हर को देखा है, कॉन्सर्ट्स देखे हैं उसके, वो मतलब अच्छा परफॉर्मर, एनर्जेटिक है, तो मेरा ख्याल थोड़ा सा एज रहेगा आसिम अज़हर को। एपी ढिल्लन क्यों? क्योंकि एपी ढिल्लन की मतलब पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है उसका, अगर हम देखें तो अब ट्रेंड जो चल रहा है वो उसी का चल रहा है। और आसिम अज़हर का जब पहले ट्रेंड चलता था तब आसिम अज़हर हर तरफ होती थी, अब आजकल एपी ढिल्लन है तो सब पीछे हैं, एपी ढिल्लन ऊपर है। एपी ढिल्लन की कोई क्या ख़ास बात ऐसी जो ऊपर है आसिम अज़हर से? उसकी आवाज़ एक अलग मतलब बंदे को अट्रैक्ट करती है। क्या अट्रैक्ट किया आपका? छड गुस्सा हुण जान दे क्यों खाने पर आई, बस उसका गाना ही ऐसा है कि मतलब उसकी आवाज़ में ऐसी पर्सनैलिटी है कि बंदे को अपने गाने की तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट करता है। फेवरेट गाना कौन सा है उसका? यही जो मैंने आपको बताया कि छड गुस्सा हुण जान दे। तो आसिम अज़हर को क्यों आपने रिजेक्ट किया? उसको मैंने रिजेक्ट नहीं किया, आसिम अज़हर भी अच्छा है, लेकिन ये नहीं होता कि जो एक एक चीज़ चल रही है वो हमेशा चलती रहे, तो वक्त वक्त की बात होती है। वो भी अच्छा है, वो अपने वक्त में अच्छा था और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छा होगा, लेकिन एपी ढिल्लन अभी आपने जिसके मुकाबले में रखा है वो एपी ढिल्लन ही अच्छा है फिलहाल। तो आप फॉलो करते हैं एपी ढिल्लन को? हाँ जी। कितना? मैं ज़्यादा नहीं, बस जब जितना हो सकता है करता हूँ। किसको इम्प्रेस किया एपी ढिल्लन के गाने गा गा के? बस किसी एक को तो किया है ना, जब होता है जब कोई नाराज होता है उसको बस ये भेज देते हैं कि छड गुस्सा हुण। एक को या बहुत सी को? बस एक को ही। बस एक को? लड़की या लड़का है? लड़की है। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लोगों के रिव्यूज़ कैसे लगे। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको लोगों के रिव्यूज़ से टॉपिक जो था हमारा वो क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।